ओम शांति। आज की तारीख है 25/12/22 और आज की ज्ञान मुरली हम सुनेंगे मीठे मीठे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली 7/3/93 की, यानी 93 की मुरली है। और आज की इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट ऊंचे से ऊंचे और होलीएस्ट जो सबसे उत्तम पवित्र हैं ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज्यादा होलीएस्ट भी हो, आदि से अब संगम तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट बना है। बाबा कहते हैं संगम पर खड़े हो ना तो आपको सब दिखाई पड़ेगा। तो देखो कि आप आत्माओं में से कोई भी ऐसी आप जैसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे वो धर्म पिताएं हो चाहे महान आत्माएं हो कोई भी हो, इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान के द्वारा डायरेक्ट पालना और पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को, अपने अनादिकाल को देखो, अनादिकाल में भी परम धाम में आप बाप के समीप रहने वाली हो, अपना स्थान याद है ना, तो अनादिकाल में भी हाईएस्ट हो, समीप हो, साथ हो और आदिकाल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग के काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देवात्माओं का समय आदिकाल भी, वो भी सर्व श्रेष्ठ समय है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न और आप श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवी देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन और जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां आपको प्राप्त है। अच्छा, अब याद प्यार सुनेंगे तो मीठे मीठे बाप दादा याद प्यार देते हुए बोले, चारों ओर के सदा परमात्मा के संग के रंग की होली मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पद्म भाग्यवान आत्माएं सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार नए उमंग और उत्साह में रहने वाली पूर्ति कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार
और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु शिव पिता परमात्मा का संगम युग पर हर समय, हर संकल्प और हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ, धारणा में लाओ। ज्ञान स्वरूप वे हैं जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म और संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ हो नहीं सकता। स्लोगन है सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। अच्छा, ओम शांति।